अस्सलामुअलैकुम जी, मैं वेलकम करती हूँ आप सबको अपने व्लॉग में। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एक बिल्कुल ही नए रूप में, तो जो लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि रेशमा का करेक्टर मैं कर रही हूँ एक अपकमिंग ड्रामे के लिए, तो उसी का ये मेरा लुक है। ओवरऑल मैं आपको बाकी भी अपना पूरा लुक भी दिखाऊँगी, सेट पर कौन कौन मौजूद है वो भी दिखवाऊँगी। और आज तो बहुत हलचल है। ओके जी, सबसे पहले देखें इंट्रो के टाइम पे ही सैफ आ गए, और सैफ को हम सभी जानते हैं। ऐसे हैं आप, सब ठीक ठाक है। ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इनका। मैं यकीन करें मेरा सीन नहीं है, मैं इनको देखने के लिए आया हूँ, यहाँ सीन कर रही है। बस कर रहे हैं आप, इतना तो ना करें। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इनको बहुत अच्छी जगहों पर देखेंगे। मैं देख रहा हूँ ये माशाल्लाह हर जगह छाई हुई है। अल्लाह मजीद कामयाब करे, सबको कामयाब करे। आमीन सुमामीन। आपको भी अल्लाह पाक ढेर सारी, बहुत शुक्रिया इसका। और बाकी ये है कि सैफ भी हमारे साथ हमारे सेट पे हैं, और भी बहुत से लोग हैं, तो आपको ले चलती हूँ मैं अब अंदर। इनका अभी तक खाना पानी चल रहा है, चलो सबको खाना खिला के खा रहे हैं। हम तो खाना खा चुके हैं, उसके बाद हमें इतनी ताकत आएगी, चले हम अब वीडियो शुरू करें। तो ये लोग खा रहे हैं, हमारे प्रोडक्शन की टीम दिखाती हूँ सीन। इस सीन में मौजूद हैं राशिद सर, ये और अली। सीन से भागे हुए अली, सीन में नहीं हो। मैं हूँ। अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे मेकअप रूम में। मेकअप रूम में भी काफ़ी लोग हैं, ये रेडी हो रहे हैं, ये लोग सीन के लिए रेडी हो रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वहाँ सीन रेडी है, और बिल्कुल लास्ट टाइम पे टचअप चल रहा है अली, बिल्कुल लास्ट टाइम पे। मैं राशिद भाई से बातों में लगा हुआ था। हाँ, खाना कैसा था? खाना जबरदस्त, खाना बेहतरीन था। नहीं हूँ लेकिन बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ये हमारे मेकअप पे हैं क्लीम, इन्होंने मेरे बहुत प्यारे से बाल बनाए। मेकअप तो मैं खुद करी हूँ, अब जा रही हूँ। ओके जी। अच्छा जी, तो हम एक और अपनी को एक्ट्रेस से भी मिलवाते हैं आपको। उस वक्त वो टचअप चल रहा था तो मैंने इसलिए उनको वीडियो में लिया नहीं। तो जी रमशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं जैसे नजर आ रही हूँ ऐसी खिलखिलाती मुस्कुराती और बस चहकती हुई। आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का सेट बहुत बहुत मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ना पूरी टीम एक साथ इकट्ठी हुई है, बहुत मजा। वरना हमारा शूट काफ़ी दिनों से स्टार्ट था लेकिन ये हो नहीं रहा था, मतलब गिनती के लोग थे उस वक्त ना, तो हो नहीं रहा था कि इतने सारे लोग, लेकिन आज लोकेशन पे इतने ढेर सारे लोग हैं, तो जी इस वजह से मैंने कहा ये अच्छा मौका है व्लॉग का। एक और जोड़ी से मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ, जो हमारे जोड़ी, हाँ वो जोड़ी है ना, जोड़ी है, तो उनसे भी मैं मिलवाती हूँ ऑन सेट। मतलब कहानी में जोड़ी है, रियल में नहीं है, लेकिन रियल में भी इतनी बुरी जोड़ी उनकी लग नहीं है। अच्छा जी, तो ये है वो जोड़ी जिनका मैं जिक्र करी थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या हाल चाल है आप लोगों के? बहुत अच्छे, क्योंकि मेरे ख्याल से खाना बहुत अच्छा था आज, उसकी वजह से और अच्छे हो गए। हाँ, आज की बिरयानी बाकी मैं जो रोज खाते हैं उससे बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कैसे लग रहा है आज आप लोगों को सेट पे? आज तो बहुत रौनक है, आज सारी काम कर रही है, बहुत ज़्यादा रौनक है, बहुत काम लगता है कि आज की ज़्यादा मजा हो रहा है। बिल्कुल, तो अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत बताएं कैसा है और कैसे इंजॉय कर रहे हैं इस स्टोरी को। मेरे जो हस्बैंड बने इसलिए चुप बैठा हूँ, लेकिन इसमें रेशमा का जो किरदार है, जो मरहबा कर रही है, वो देखेगा, वो भी देखने वाला है, जो देखेगा। अब हमें थोड़ी खामोशी करनी है, किस सीन रोल होने वाला है? नहीं पूछना, एटीएम का पिन भी नहीं बताऊंगा। वो मैंने नहीं पूछना है, मैंने तो बस मालूम ये करना है। मैंने सुना है कि आपका किसी नौकरानी से अफेयर चल रहा है। किसने कहा? फूफो ने बताया। झूठ है ये, मैं कोई नौकरानी से चक्कर चलाऊंगा। हाँ सही कह रहे हैं, अगर कोई नौकरानी होती तो नजर तो आती। तो जैसे मैंने बताया था कि एक और जोड़ी है हमारे उसमें, तो मैं अब मिलवाती हूँ आप लोगों को उनसे भी। वैसे तो इनका सीन होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? इनको तो आप जानते होंगे देखने वाले, ये बहुत बड़े आरजे भी हैं। हाँ हाँ, देखिए
नहीं पहले आप बोलेंगे फिर मैं बोलूँगा। मैंने कहा कि आपके तो तारुफ पर मैं क्या करूँ कि मतलब बहुत लोग आपको जानते हैं एज ए आर जे भी, काफ़ी अर्से से आप काम भी कर रहे हैं एक्टिंग में भी। ये मेरे देखने वालों की मोहब्बत है कि वो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं और मोहब्बत करते हैं, इसी तरह से मोहब्बत करते रहिए। और एक ज़बरदस्त सा खेल हम आपके लिए लेकर आए लाइव कॉमेडी मन की जीत पर, बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला ये ऑनर जा रहा है, उसमें आप हमें देखेंगे एज ए फैमिली। और ये सारी मेरी फैमिली है, ये आप देख सकते हैं। जी स्क्रिप्ट पढ़ के थोड़ी सी फुर्सत इन्होंने निकाली हमारे लिए, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने थोड़ी सी फुर्सत निकाली है। तो नाहिदा शमीम आपका करेक्टर कैसा है इसमें और इन्जॉय करिए आप? फॉर्म आ रही है जी हाँ बिल्कुल, इसका फॉर्म आ रहा है, जाएगी बारात के सेट पर होगा जिसके डायरेक्टर शोएब सिद्दीकी साहब हैं और माशाल्लाह मेरा कैरेक्टर इसमें नजर का है और देवरानी जिठानी समझ लें आप, इसमें जो टसल्स है वो देवरानी जिठानी की है और जिठानी का कैरेक्टर मेरे बराबर करेंगे वो बैठी हैं अलीजे और ब्रिलियंट एक्टर, मेरी नज़र में बहुत अच्छी एक्टर्स हैं और मेरे ख्याल से आपकी नज़र में भी हैं, तो इनके साथ डेट करके मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और तेज तर्रार इसमें हमें दिखाया गया बिल्कुल। मैं बड़ा मजलूम हूँ, मैं इनका शौहर बना हूँ और यकीन जाने होता है ऐसा है एक्चुअली समटाइम्स कि स्क्रीन पे जो लोग तेज नज़र आ रहे होते हैं वो रियल में बहुत मासूम होते हैं और जो मासूम नज़र आ रहे होते हैं वो नहीं, वैसे इन लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आएगा। और हमारे जो सबसे सीनियर आर्टिस्ट जिनके हम बहुत दूर से पता लगता है उनको हमारे साथ राशिद फारूकी साहब जो इसमें मेन कैरेक्टर कर रहे हैं, लीड कैरेक्टर दादा की जाएगी बारात को, दादा का कैरेक्टर है हमारे ससुर का और अल्लाह पाक बस ढेर दुआएं उनके लिए साथ हमारे सेट पे आमीन सुमन जो सीखते हैं अकेडमी हमारे लिए है कैरेक्टर भी कम करके हमारे अकेडमी का दर्जा है और बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। तो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ। और हर जगह आपका चर्चा चल रहा है, टाइटल से लेके हर उसमें आपका ही जिक्र है, तो आपको कैसा लग रहा है? जाहिर है बहुत अच्छा लग रहा है और जाहिर है इस ड्रामे का नाम है दादाजी की शादी और लाला जी का कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ और ये सारे मेरे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, तो मैं बापों का भी बाप हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका वाकई टीज़र बहुत मज़े का है वो। और आपको वैसे कैसा लग रहा है, मतलब एक नई टीम ही है हमारे साथ तो पहली दफ़ा काम कर रहे हैं आप? देखो हम जिस सेट पे भी होते हैं एक नई ज़िंदगी जीते हैं, इस सेट पे भी बिल्कुल सारे लोग तो जानने वाले होते हैं लेकिन जब किरदारों में डल जाते हैं तो वो बिल्कुल नए होते हैं बिल्कुल, और एक नई ज़िंदगी होती है, तो हम इसी तरह एक नई ज़िंदगी जीते हैं, तो नई जब नई ज़िंदगी जीते हैं बहुत मज़ा आता है। वाह क्या खूबसूरत सी बात कह दी आपने। जैसे आगे था जब कॉल करूँ तब आना, सुकून से सांस तो लेने लो बेचारी को, मैं अपने पैसे लेने आई हूँ, बस मेरे हिसाब कर दे, इस तरह के माहौल में काम नहीं कर सकती मैं। अरे तुम्हें जो ही शिकायत है मुझे बताओ, मैं दूर करूँगा। अरे इसकी शिकायतें दूर करने के लिए अभी मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे जो भी मुकाबला है ना मैं सब मानूंगा, तुम कैसे भी सुख ले जाओ मगर नौकरी मत छोड़ो। तो एक काम करो, ये जो यहाँ टाइम दे दीजिए ना वो मेरे घर आ जाया करो। बात अच्छे, मैं इसकी जिंदगी में स्कूल लाना चाहता हूँ और तुम जरा काम पर लगाकर हल्का करना चाहते हो बेचारी को। आप दोनों बाद में लड़ लेना, मुझे इतनी भूख लगी है, नाश्ता तक नहीं करके आई मैं। तुम्हारे कहने पर जा रहा हूँ, वरना हमेशा खूब चलाया इसकी जबान ने, वो भी जब तक साबरा से छाती नहीं होगी इसके बाद तो उसी का तुम चलता रहा खाने में भी और तुम पर भी। अबे तेरे पोल खोलू फिर अच्छा लगेगा। अब चला भी जाओ मेरे भाई। रेशमा अपनी बेटी की हालत है कैसे हो रही है भूख से? अबे बेटी होगी तेरी। अरे मेरी तो जाने के जाने यार,
एक बंदा आए कोई? चले जी, अब हम आपको मिलवा देते हैं उनको, जिनकी वजह से ये चीज बहुत खूबसूरत नजर आ रही है। आप लोगों को खूबसूरत ड्रामा देखने को मिलेगा। हम अपने DOP से भी मिलवाएंगे और अपने डायरेक्टर की तरफ मैं आपको लेकर जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम शुएब सर, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है आपके? और अपनी टीम आपको कैसी लग रही है? जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हमारा काम जा रहा है। टीम बहुत अच्छी है, चाहे मेरी वो प्रोडक्शन टीम क्यों ना हो, आप सबसे खुश हैं? तकरीबन मैं सबसे खुश हूँ और इसी से बड़ा रिलैक्स होकर काम कर रहा हूँ। सारे ट्रैक्टर अब ट्रैक्टर में आ चुके हैं, तो यही सबसे अच्छी बात है। ट्रैक्टर को ट्रैक्टर में होना चाहिए और सबसे अच्छी बात है हमारे नौकरानी का रोल है इसमें। तो आपको मेरे साथ तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो कैसा रहा, इस बारे में क्या कहें? नहीं, अच्छा रहा। बाद आर्टिस्ट होते हैं सिर्फ समझाना पड़ता है और वो ट्रैक्टर में आ जाते हैं, तो वो कहना चाहिए कि उनमें से आप भी शायद एक हैं। मैं शायद इस वजह से लगा रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन आप अच्छा काम करेंगे। लेना तो मैं आपको पहले भी चाह रहा था इस सीरियल में, लेकिन मेरा दुरुस्त है, ये अच्छा करेक्टर और मजीद अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि वो सीनियर आर्टिस्ट ऐसे जिनका आप काम कर रही हैं, काफ़ी इंजॉय कर रही होंगी। और हम तो सीखने के मराहल में रहते हैं, तो सीख भी रही होंगी आप। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि सीखने का अमल तो हमारा चलता रहता है। और हमारे DOP से भी मिलवाती हूँ, ये हैं हमारे आसिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। और ये हमारी सीन को और ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। तो जी, अब तो ये लोग सब सीन में है और मेरा जल्दी हो चुका है पैकअप, तो मैं निकलूंगी, ये लोग काम करेंगे और फिर इंशाल्लाह आप लोग हम लोगों को देखेंगे हमारी स्क्रीन्स पे बहुत जल्द। तो अभी तो मेकअप रूम में मैं हूँ, मैं क्लीन है। हेलो। तो अब हम करते हैं इसकी क्लोजिंग और कहते हैं आप सबको, सबको क्या कहना चाहिए जी? वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मन टीवी पर ये प्ले ज़रूर देखें। जी बिल्कुल, मन टीवी पे आप लोगों ने ये ज़रूर देखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अपना फीडबैक आप लोगों ने लाजमी कमेंट सेक्शन में देना है, हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। तो होती है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।